हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? सो गाइस, आज मैं आपके लिए फिर हाजिर हो गया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ये है मारुति सुजुकी इग्निस सिग्मा मॉडल, जो है सिग्मा बेस मॉडल है इसका। और ये मॉडल जो अभी मैं इसका रिव्यू करूँगा, ये इसमें एक्सेसरीज भी लगी हुई हैं, तो उसके बारे में भी हम साथ साथ में बात करेंगे। सो इसके हम सारे फीचर्स, क्या इसमें ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या नहीं, ये हम आगे बात करेंगे। और बने रहिए वीडियो के एंड तक, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, ये है मारुति सुजुकी इग्निस 2022 टॉप मॉडल की लुक। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लुक आ रही है इसकी। एंड अगर मैं बात करूँ, ये आपको लगेगा नहीं कि ये इसका बेस वेरिएंट है, बिकॉज इसमें ऐसी कुछ एक्सेसरीज लगा दी हैं कंपनी ने, जिससे आपको थोड़े से पैसे और देके आपको एक बढ़िया फील आ जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट डिज़ाइन से, यहाँ पर जो इसकी ग्रिल है ये सेम ही मिलती है आपको, जैसे टॉप मॉडल में मिलती है वैसे ही आपको इस वेरिएंट में भी मिल जाती है। जैसे यहाँ पर जो इसका डिज़ाइन है बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है क्रोम फिनिश में, और यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और अगर मैं हेडलैम्प्स के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर हमें हैलोजन में बल्ब मिल जाता है इसका, हाई बीम लो बीम, एंड यहाँ पर पार्किंग बल्ब मिल जाता है, यहाँ पर हमें इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है। और नीचे अगर मैं बात करूं, तो जनरली बेस वेरिएंट में आपको कोई भी फॉग लैंप्स नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने एक्सेसरीज की तौर पर यहाँ पर लगाए हुए हैं और फॉग लैंप्स। एंड आपको नीचे सिल्वर फिनिश दी हुई है बम्पर में यहाँ पर, जो बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है इसकी। और देखा जाए ना यार, वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है ये। और आगे भी हम बात करते हैं। और ये है इसका साइड की लुक, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लुक आ रही है इसकी। और जो इसके टायर साइज़ है ये 15 इंचेस के दिए हुए हैं, जो बहुत ही बढ़िया बात है। और यहाँ पर अगर इसका मैं टायर साइज़ आपको चेकआउट करवाऊँ, तो यहाँ पर हमें 175/65 R15 के टायर्स मिल जाते हैं। और जनरली जो इसका बेस वेरिएंट है उसमें हमें सिर्फ स्टील रिम्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेसरीज़ के तौर पर कंपनी ने जो इसके व्हील कवर्स हैं वो लगाए हुए हैं यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ इसकी साइड के बारे में, तो यहाँ पर जो इसके इंडिकेटर की प्लेसमेंट फेंडर पर दी हुई है, ओवर विंग्स में नहीं मिलती। और एक इसकी अच्छी बात ये लगती है कि बेस वेरिएंट में ही कंपनी आपको ORVMs एंड डोर हैंडल्स हैं वो आपको बॉडी कलर में ही प्रोवाइड करती हैं, जिससे ये फील नहीं होता कि ये एक बेस वेरिएंट है। और नीचे भी यहाँ पर हमें कंपनी ने क्रोम की फिनिश यहाँ पर लगाई हुई है एक्सेसरीज के तौर पर। और ये है इसकी कंप्लीट लुक, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो इसका एंटीना है वो आपको नॉर्मल एंटीना दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और यह है इसकी कंप्लीट बैक प्रोफाइल की लुक, आप देख सकते हैं। और यह है इसकी टेलर्स की लुक, यहाँ पर हमें इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, एंड यहाँ पर हमें रिवर्स लैंप की प्लेसमेंट मिल जाती है। एंड यह है इसकी कंप्लीट लुक, एंड यहाँ पर हमें फोर पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं, जो बेस वेरिएंट में स्टैंडर्ड है। और यहाँ पर एक्सेसरीज के तौर पर कैमरा लगा हुआ है। और यार मतलब कोई फीचर छोड़ा ही नहीं है कंपनी ने एक्सेसरीज लगा के, आपको मतलब मजबूर कर देगा कि आप ये वेरिएंट लो। और सबसे ज़्यादा वेरिएंट ये इसका बिकता है, सिग्मा वेरिएंट। एंड अब यहाँ पर हमें सुजुकी का लोगो मिल जाता है, इग्निस की बैजिंग मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमें लैंप, स्टॉप लैंप, और यहाँ पर हमें इसके जो एंटीना है उसकी प्लेसमेंट मिल जाती है। और ये है इसकी कंप्लीट लुक। एंड जो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो हमें 32 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। सो गाइस, ये है इसकी बूट स्पेस, यहाँ पर हमें 260 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। और अगर आप देखें तो ठीक ठाक स्पेस हमें मिल जाती है, यहाँ पर हमें कोई भी लैंप प्रोवाइड नहीं करती कंपनी, और यहाँ पर हमें कोई भी पार्शियल ट्रे नहीं मिलती, लेकिन आप एक्सेसरीज में लगवा सकते हैं। और ये है इसकी कुछ स्पेस। एंड अगर मैं बात करूँ इसकी सीट के बारे में, ये जो सीट्स है ये 60-40 स्प्लिट नहीं होती, लेकिन ये ऐसे बेंच फोल्ड हो जाती है कम्प्लीटली, आप देख सकते हैं। और अगर आपने कोई सामान वगैरह लेके जाना है तो आप इजीली लेके जा सकते हैं। सो ये था इसकी डिटेल्स। सो गाइस, अब बात करते हैं इसकी इंजन डिटेल्स के बारे में, आप देख सकते हैं ये है इसकी इंजन की लुक। और यहाँ पर हमें 1.2 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है
81.80 BHP एंड 113 NM का टॉर्क, जो बहुत ही बढ़िया पावर फिगर है। एंड जब आप चलाएंगे ना इसे, ये बहुत ही गजब चलती है। और जो इसकी एयर ए क्लेम माइलेज है वो है 20.89 किलोमीटर पर लीटर की, जो बहुत ही बढ़िया है। एंड नीचे आपको कोई भी इंजन प्रोटेक्टर गार्ड नहीं मिलता, आप देख सकते हैं। सो ये थी इसकी इंजन की डिटेल्स। सो गाइस, ये थी सारी इसकी एक्सटीरियर की डिटेल्स। एंड अब चलते हैं कार के अंदर एंड बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। एंड इंटीरियर में जाने से पहले हम बात करते हैं इसकी की के बारे में। ये है इसकी की। यहाँ पर हमें रिमोट की मिल जाती है, लेकिन ये एक्सेसरीज़ का पार्ट है। यहाँ पर कोई भी हमें बेस वेरिएंट में कोई भी हमें सेंटर लॉकिंग एंड रिमोट नहीं मिलता, लेकिन ये एक्सेसरीज़ का पार्ट आपको मिल जाता है। और वैसे अगर जनरली बात करूँ तो बेस वेरिएंट में आपको कुछ ऐसी की मिलती है, लेकिन यहाँ पर कंपनी एक्सेसरीज़ में हमें रिमोट भी लगा कर देती है। सो चलते हैं कार के अंदर एंड बात करते हैं इंटीरियर्स के बारे में। सो गाइस, ये है इसकी फ्रंट डोर की लुक, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें इसका जो पकड़ने के लिए जो हैंडल है सिल्वर में फिनिश में दिया हुआ है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। और यहाँ पर हमें दो पावर विंडोज़ मिलती है इस बेस वेरिएंट में, क्योंकि पीछे आपको कोई भी पावर विंडो नहीं मिलती। और यहाँ पर हमें कार को लॉक अनलॉक करने के लिए स्विच मिलता है, और जो इसकी पावर विंडोज़ है उसको लॉक अनलॉक करने के लिए स्विच दिया हुआ है। और यहाँ पर जो इसके ओवर वीएम्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, ना ही एडजस्ट और फोल्ड करने के लिए कोई भी कंट्रोल नहीं दिया बेस वेरिएंट में। आपको हाथ से ही ऐसे हाथ से ही एडजस्ट करने पड़ेंगे और हाथ से ही फोल्ड करने पड़ेंगे। अब चलते हैं कार के अंदर एंड बात कर लेते हैं बाकी फीचर्स के बारे में। और गाइस, अब आ गए हैं कार के अंदर। अब देख सकते हैं कार की लुक कंप्लीट। ये है इसकी कंप्लीट लुक। एंड सबसे पहले हम इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं और बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सो गाइस, ये है इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की लुक, आप देख सकते हैं। ये इसका बेस वेरिएंट में आपको ऐसी कुछ इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ऐसा मिलता है, लेकिन आप इसके जो ऊपर के वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पर हमें एक इससे भी बेटर मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। और इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें सेंटर में स्पीडोमीटर मिल जाता है, और नीचे हमें छोटी सी IMD स्क्रीन दी हुई है, जहाँ पर हमें फ्यूल गेज मिल जाता है। और अगर मैं बाकी फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर हमें एवरेज रेंज और कितनी आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी का डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, बस यही फीचर आपको मिलता है। और अगर मैं बात करूँ इसके स्टीयरिंग व्हील के बारे में, ये है इसकी स्टीयरिंग व्हील की लुक, आप देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमें कोई भी बटन्स नहीं मिलते, जैसे कि टेलीफोनी कंट्रोल्स, कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। और एक बात है, यहाँ पर हमें एक्सेसरीज में कंपनी ने जो इसका स्टीयरिंग व्हील कवर है यहाँ पर हमें मिल जाता है, जिसकी जो फिनिश है बहुत ही बढ़िया। एंड ये लेदरेट है। एंड अगर मैं इसकी एडजस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर हमें टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाती है, लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं मिलती, तो ठीक है। लेकिन बेस वेरिएंट में यहाँ पर हमें टिल्ट इस प्राइस में हमें मिल जाती है, टिल्ट एडजस्टमेंट, बहुत ही बढ़िया बात है। एंड अब बात करते हैं इसके जो डैशबोर्ड है उसके बारे में। डैशबोर्ड में हमें ब्लैक फिनिश मिलती है ओवरऑल। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमें ऐसे कुछ आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, वो एसी वेंट की लुक है। और यहाँ पर हमें दो एसी वेंट्स यहाँ मिल जाते हैं और एक यहाँ पर मिल जाता है। और अब बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स के बारे में। यहाँ पर हमें डिसेंट सी स्पेस मिल जाती है, और आपको यहाँ पर भी ऊपर स्पेस दी हुई है, आप अपना फ़ोन वगैरह या कुछ रख सकते हैं, जो एक अच्छी बात है। और अब बात करते हैं हम इसके जो यहाँ पर हमें म्यूज़िक सिस्टम दिया हुआ है, ये भी एक्सेसरीज़ में लगा हुआ है पायोनियर का। ये आपको 25,000 to 30,000 के बीच लग जाता है। और कंपनी ने यहाँ पर दो स्पीकर्स भी लगाए हुए हैं एक्सेसरीज़ में। एंड अगर आप जैसे बाहर से भी आफ्टर मार्केट भी आप 10,000 to 12,000 का बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम लगा सकते हैं। और नीचे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमें मैनुअल एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर हमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। और कोई भी हमें जैसे यूएसबी
के पोर्ट वगैरह नहीं मिलते क्योंकि यहाँ पर हमें म्यूजिक सिस्टम नहीं प्रोवाइड करती कंपनी बेस वेरिएंट में। एंड यहाँ पर हमें 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, हमें रिमोट भी मिल जाता है म्यूजिक सिस्टम के साथ। और ये है इसका गियर बॉक्स, 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स है जो बहुत ही मतलब स्मूथ आपको मिलेगा। और आज तक कोई भी मारुति की कार में हमें जो गियर बॉक्स है उसको लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और अब बात करते हैं इसके, यहाँ पर हमें हैंड ब्रेक मिल जाती है और यहाँ पर हमें एक बॉटल रखने के लिए स्पेस मिल जाती है। तो ये था इसकी लुक। एंड ये है इसका IRBM, यहाँ पर हमें हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ता है इसे और आपको डे नाइट नहीं मिलता। यहाँ पर हमें लाइट मिल जाती है ऐसे, एंड यहाँ पर हमें माइक भी प्रोवाइड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें म्यूजिक सिस्टम लगा के दिया है, तो ये भी एक्सेसरीज में ही लगा होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सन वाइजर की, तो यहाँ पर हमें कोई भी मिरर नहीं मिलता और यहाँ पर हमें इस वाले में कोई भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलता। सो ये है इसकी लुक। एंड यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें जो हमारी लाइट्स है हेडलैम्प्स, उसकी जो हाइट है उसको इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए बटन दिया हुआ है। एंड ये है इसकी कंप्लीट लुक, आप देख सकते हैं, जो बहुत ही बढ़िया लग रही है। और मतलब थोड़े बहुत एक्सेसरीज लगा के ये कार एक बेस्ट वेरिएंट बन जाती है। एंड अब चलते हैं कार के रियर में एंड बात करते हैं क्या हमें फीचर्स मिलते हैं। सो गाइस, ये है इसकी बैक डोर की लुक, आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें कोई भी पावर विंडो के कंट्रोल नहीं मिलते, यहाँ पर हमें विंडो को हाथ से ही डाउन करना पड़ेगा और हाथ से ही अप करना पड़ेगा। एंड अगर बात करूँ नीचे, आपको 1 लीटर की बॉटल रखने के लिए स्पेस मिल जाएगी और एक स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। और वैसे इस वेरिएंट में हमें पीछे कोई भी स्पीकर नहीं मिलता, एक्सेसरीज के तौर पर आगे 2 front speakers हमें मिल जाते हैं। एंड अब चलते हैं कार के अंदर एंड देखते हैं कितनी स्पेस कंपनी ऑफर करती है हमें। एंड सो गाइस, ये है इसकी स्पेस, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये जो सीट है ये मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बहुत ही मतलब कंफर्टेबल स्पेस मिल जाती है, लेकिन जो मेरा नीरू है ये मुझे डिसेंट मिल रहा है, इतना स्पेशियस नहीं है, लेकिन ठीक ठाक आपको स्पेस मिल जाती है, आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। एंड ये है इसकी बैक से लुक, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लुक आ रही है इसकी। एंड बाकी जो इसके हेडरेस्ट है सीट्स के, ये आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। एंड जो इसकी जो सीट्स की जो कुशनिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीट्स की कुशनिंग है, ये आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाती है, आपको कोई भी थकावट नहीं होगी। और पीछे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमें कोई भी जो हेडरेस्ट है एडजस्टेबल नहीं मिलता पीछे, और फिक्स हेडरेस्ट हमें दिया हुआ है। सो ये थी इंटीरियर्स की फुल डिटेल। एंड जो इसकी लुक है ये बहुत ही बढ़िया है। एंड सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं सेफ्टी के, और ABS EBD भी हमें मिल जाता है। सो ये थी कंप्लीट डिटेल्स ऑफ मारुति सुजुकी इग्निस सिग्मा बेस वेरिएंट 2022 की। सो गाइस, ये था आज का फुल डिटेल रिव्यू ऑफ मारुति सुजुकी इग्निस सिग्मा बेस वेरियंट का। एंड आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगी होगी ये। और मेरे हिसाब से यार, आप थोड़े से और पैसे देकर एक्सेसरी लगवा कर ये वेरिएंट आप ले सकते हो डेफिनेटली। एंड बिकॉज ये लेने का मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक तो इंजन जो है बहुत ही बढ़िया इंजन मिल जाता है आपको, परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी बहुत ही बढ़िया मिलेगी। एंड थोड़े बहुत आपको फीचर्स एक्सेसरीज में लगवा कर आपका ये बेस्ट वेरिएंट बन सकता है। सो ये थी गाइज आज की वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें तुषार व्लॉग्स को। एंड आपके लिए मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट एंड बढ़िया बढ़िया डिटेल्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। सो बाय बाय, टेक केयर।